दोस्तों इस वीडियो में हम आज बात करने वाले हैं कि LLB के जो स्टूडेंट है फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर जो कि यहाँ पे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विधि विश्वविद्यालय से पढ़ाई कर रहे हैं उनका रिजल्ट है वो कब जारी होगा इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। और दोस्तों मैं आपको बताऊँ कि जो मेरे पास में प्रेस विज्ञप्ति आ रही है जो कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विधि विश्वविद्यालय से आ रही है तो मैंने ये वेबसाइट पर जाके वहाँ पर चेक किया कि अपडेट सही है या फिर गलत है या फिर ऐसे ही इसको शेयर कर रहे हैं। दोस्तों मैं बता दूं कि ये जो अपडेट है ये सही अपडेट है और रियल अपडेट है, कोई फेक अपडेट नहीं है, वेबसाइट पे अपलोड नहीं की गई है क्योंकि यहाँ पे जितने भी सारे लो कॉलेज हैं राजस्थान के अंदर 84 लो कॉलेज हैं उनका एक सबका एक ग्रुप बनाया हुआ है जो कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर से एफिलेट है और वो जो कॉलेज जैसे यहाँ पर अजमेर लो कॉलेज है या फिर बीकानेर लो कॉलेज है, सीकर लो कॉलेज है, यहाँ पर प्राइवेट संध्या लो कॉलेज सीकर है और भी प्राइवेट कॉलेज हैं उनका भी एक अपना अपना ग्रुप बनाया हुआ है जो कि स्टूडेंट्स के लिए है, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर, ठीक है, यहाँ पे फ़िलहाल तो फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर ही है तो उनका एक ग्रुप बनाया हुआ है उसमें अपडेट है वो यहाँ पे डाली जाती है तो वहाँ से इन्फॉर्मेशन मेरे को मिली है। लेकिन मैं आपको बताऊँ कि जो अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ ये इन्फॉर्मेशन मुझे अपने ही ग्रुप में मिली है जो हमारा एक ग्रुप है व्हाट्सएप पर अशोक जहांगीर LLB के नाम से, उस ग्रुप से किसी स्टूडेंट साथी ने सेंड की है। सोचा कि यहाँ पे यूट्यूब पे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से LLB की पढ़ाई कर रहे हैं तो उनके लिए वीडियो वो यूज़फुल रहेगा और अपडेट भी आपको है वो मिल जाएगी। तो चलिए इसको हम देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। दोस्तों इसमें यहाँ पर दिया हुआ है कि विधि विश्वविद्यालय का परिणाम यहाँ पर जारी किया गया है। सबसे पहले हम जानने वाले हैं कि कौन कौन से यहाँ पर परिणाम जारी किए गए हैं, उसके बाद में हम जानने वाले हैं कि LLB का रिजल्ट है वो कब जारी होगा क्योंकि यहाँ पे काफ़ी टाइम से दोस्तों वेट कर रहे हैं और थक चुके हैं कि कब रिजल्ट आएगा। 3.5 महीने है वो हो गए हैं लेकिन रिजल्ट की कोई अपडेट नहीं आ रही है। तो चलिए इसको देखते हैं। इसमें दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है कि आज दिनांक 13/12/2022 को है वो यहाँ पर 2-3 रिजल्ट जारी किए गए हैं। सबसे पहला तो है BA LLB सेकेंड सेमेस्टर और BBA LLB सेकेंड और थर्ड सेमेस्टर और LLM सेकेंड सेमेस्टर यहाँ पे परिणाम है वो जारी किया गया है। आपको बता दें कि यहाँ पे 84 विधि महाविद्यालय वो यहाँ पे विधि विश्वविद्यालय जयपुर से एफिलेट है और जो एग्ज़ाम का रिजल्ट आया है अभी इसमें यहाँ पे 752 विद्यार्थी इन पाठ्यक्रम में शामिल थे। यहाँ पे दोस्तों नीचे यहाँ पे थोड़ा और बताया हुआ है कि डॉक्टर नीरज जैन है वे विधि विश्वविद्यालय के यहाँ पे परीक्षा नियंत्रक है, उन्हें बताया कि परिणाम घोषित परिणाम में BA LLB सेकेंड सेमेस्टर में यहाँ पे कुल 673 में से 516 विद्यार्थी यहाँ पे पास हुए हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं और अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इतने स्टूडेंट्स एग्ज़ाम दी थी इनमें से 516 ही यहाँ पर पास हुए हैं, बाकी का तो यहाँ पर फेल कर दिया है। बाकी यहाँ पे परिणाम की बात करें तो यहाँ पे इसमें बता रहा है कि 77% है वो यहाँ पे परिणाम रहा है और BBA LLB सेकेंड सेमेस्टर में यहाँ पे सभी विद्यार्थी उत्तीर्ण घोषित हुए हैं, परिणाम यहाँ पे 100% रहा। दोस्तों यहाँ पे अच्छी बात ये भी बताई जा इसमें दी हुई है कि यहाँ पर जो BBA LLB कर रहे थे उनको सभी को यहाँ पर पास कर दिया, 100% परिणाम सही रहा है और अच्छा रहा है। नीचे यहाँ पे है BBA LLB थर्ड सेमेस्टर की बात की जा रही है, इसमें 19 विद्यार्थी थे, 17 यहाँ पे पास हुए हैं, मतलब कि 2 विद्यार्थी यहाँ पे फेल हो गए और इसका यहाँ पे परिणाम यहाँ पे 90% रहा है, मतलब कि इस बार परिणाम अच्छा रहा है और अनुमान लगा सकते हैं कि इस बार भी LLB वालों का परिणाम है वो बहुत ही अच्छा होगा और अच्छे नंबरों से आप पास हो जाओगे। नीचे यहाँ पे दिया हुआ है कि LLM सेकेंड सेमेस्टर में कुल यहाँ पे 59 में से 49 विद्यार्थी यहाँ पे उत्तीर्ण हुए हैं। परीक्षा परिणाम की बात करें तो यहाँ पे 83% रहा है। दोस्तों मैं तो इससे ये अंदाज़ा लगा सकता हूँ कि परिणाम आपका बहुत ही अच्छा रहा है और आपका जो परिणाम है जो LLB के स्टूडेंट हैं उनका भी यहाँ पर अच्छा ही रहेगा। यहाँ पे दिया हुआ है कि जो छात्र पुनर्मूल्यांकन करने का इच्छुक है, जैसे नंबर कम लग रहे हैं कि इस टॉपिक में इस सब्जेक्ट में नंबर कम है तो आप रिवेल्यूशन का फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। उसकी डेट है वो यहाँ पे 15 दिन के भीतर भीतर आपको है वो आवेदन करना होगा। अब दोस्तों बात आती है कि जो
एलएलबी के स्टूडेंट है उनका रिजल्ट कब जारी होगा और जो बचे हुए परीक्षा परिणाम है वो कब जारी होंगे। तो यहाँ पे दोस्तों नीचे आप देख सकते हैं, यहाँ पे साफ साफ जो विश्वविद्यालय की कुलपति है डॉक्टर देव स्वरूप जी, उन्होंने बताया है कि एलएलबी पाठ्यक्रम के परिणाम है वो इसी सप्ताह घोषित हो जाएंगे। दोस्तों इसी सप्ताह का मतलब है कि 18 तारीख से पहले पहले है वो परीक्षा परिणाम जारी कर देंगे। यहाँ पे साफ साफ कह रखा है, यहाँ पे बोला हुआ आप देख सकते हैं कि विश्वविद्यालय कुलपति डॉक्टर देव स्वरूप जी ने बताया है कि एलएलबी पाठ्यक्रम के परीक्षा परिणाम है वो इसी सप्ताह घोषित किए जा रहे हैं, मतलब कि कंफर्म आ रहे हैं, कंफर्म आपका रिजल्ट वो आएगा 18 से पहले पहले वो यहाँ पे डिक्लेयर कर देंगे। और बाकी यहाँ पे बताया हुआ है कि शेष जो पाठ्यक्रम बचे हुए हैं उनका रिजल्ट है वो जल्दी से जल्दी है वो जारी कर दिए जाएंगे। तो यहाँ पे दोस्तों बहुत बड़ी अपडेट आ रही है दोस्तों, मैंने आपको बताया। और प्लीज़ आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अशोक जांगिड LLB को, जहाँ पे आपको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जो जानकारी तो मिलेगी मिलेगी, साथ में आपको यहाँ पे लीगल जानकारी वो अन्य जानकारी भी आपको यहाँ पे मिलती रहती और मिलती रहेगी। और आप इस वीडियो को है वो सभी के पास में शेयर कर दीजिए, जितने भी सारे स्टूडेंट हैं इस वीडियो को देखे समझे और हमसे जुड़े, जिसे हम उनको जानकारी है वो देते रहें। दोस्तों बहुत ही अच्छी बात है कि आपका रिजल्ट है वो इसी सप्ताह घोषित किया जा रहा है, 13 तारीख हो चुकी है और 18 से पहले पहले 19 से पहले पहले आपका रिजल्ट है वो जारी हो जाएगा। दोस्तों आपको ये जानकारी अपडेट कैसी लगी हमें बताना कमेंट करके। और आपको क्या लगता है दोस्तों कि आपके कितने परसेंटेज आ सकते हैं, कोई बोल रहा है कि मुझे पास होना है, तो वो आप हमें कमेंट कर दीजिए कि हमें पास होना है और हमारे इतने परसेंटेज आने चाहिए। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा बताना कमेंट करके। थैंक यू इस वीडियो को देखने के लिए।